भाई पंजाब को हम कैसे देखें ये ज्यादा जरूरी नहीं है, पंजाब इस वक्त देश को कैसे देख रहा है ये ज्यादा जरूरी है ना। तो आप अपनी भूमिका तय कीजिए, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका चुननी पड़ेगी इस वक्त। अगर आप नहीं चुनेंगे तो आपके ही सामने से जो गुजर रहा है तूफान फिर आपको दोबारा मौका नहीं देगा। सोचते हैं कि पंजाब अपनी भूमिका चुन रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह से चुन रहा है। हाँ हाँ, मतलब आप ये सवाल तो उन उद्योगपतियों से पूछिए जो जहाज किराए पर देते हैं चुनाव के समय कि ज्वाइन करूं या नहीं करूं। आप अपनी गाड़ी पर ही घूमूंगा और वो हवाई जहाज पे घुमाते रह जाएंगे। विजिट को कैसे वैल्यू? अरे सर, हम कोई सामान्य आदमी है, पत्रकार है, हमारा कोई दौरा वौरा नहीं है। मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिली है मुझे, और क्या है। हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जो मीडिया है उसके ऊपर हमेशा लगाम लगाने की जो कोशिश है, लगाम वो खत्म हो गया है, वो एंटी डेमोक्रेटिक हो गया है, वो एंटी देश के जो लोकतांत्रिक संस्कृति है उसके खिलाफ काम कर रहा है। ये मैं लोगों को बता रहा हूँ, उसमें असहमति की आवाज, विपक्ष की आवाज को कमजोर किया जाता है और सरकार से सवाल नहीं किया जाता है। सर, आप हमेशा कहते हैं कि जो बीजेपी है वो आपको आगे आने नहीं देती है। मुझे आगे आने नहीं देती है, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। वो लोग नहीं आते हैं मेरे प्रोग्राम में, मत आए। मीडिया 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 को किस स्तर पे देखते हैं? मैं तो मजा लेता हूं, मैं मत आइए आप। जी हाँ सर, कौन जा जिम्मेदार है? क्या जीडीपी सब? नहीं नहीं, जिम्मेदार की बात नहीं है, पॉलिटिशियन मतलब एक मीडिया भी रोल नहीं कर रही है, कुछ लोग पब्लिक पे भी बहस नहीं करना चाहते और कुछ पॉलिटिशियन बहस नहीं करना चाहते कि जीडीपी सब पे। तो आपके हिसाब से कुछ पॉलिटिशियन जो सरकार में है वो जिम्मेदार होता है कि और कौन होता है? फिर हम और आप थोड़ी जिम्मेदार होते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीजों पे आंख कान खोल के नजर रखें, है ना। और हम कितना भी जिम्मेदार हो जाएं, कोई भी ऐसी बात हो, आप में 100 कमी होगी, मेरे में भी कमी होगी, तो इन कमियों को लेकर क्या मकसद है कि हम और आप लड़े हैं? अगर कोई ये खेल खेल रहा है तो आपको भी ये समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए, तो फिर आप इतनी सी जिम्मेदारी निभा लीजिए फिर शांति आ जाएगी। भारत के मीडिया जो भाषा और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ है ना वो ठीक नहीं है। जी सर, भारतीय मीडिया को जी हाँ, भारतीय मीडिया को आप कहाँ देख रहे हैं? बोल चुका हूँ, भारतीय मीडिया मीडिया है ही नहीं इस देश में, तो मैं क्या देखूंगा? भारतीय है, उन्हीं को मैं देख रहा हूँ, उन्हीं से कोई उम्मीद है। आखिरी सवाल लूंगी कि पंजाब के सीएम ने बात बोली है कि सीएबी जो बिल है वो यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। वो तो राज्य का, वो तो क्या नागरिकता का मामला तो केंद्र का मामला होता है कि, है ना, तो वो लागू नहीं किया जाएगा वो बात नहीं है, वो तो सेंटर के लोग हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस और ये सब करेंगे, वो सारा नागरिकता देने का जिसको देना है दें आप, है ना, जैसे आप पहले दे रहे थे। लेकिन बात है कि वो नेशनल रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आप अपने बाप दादाओं का प्रमाण देना चाहेंगे कि वो यहाँ पैदा हुए थे कि नहीं होना चाहिए? चाहते हैं आप देना? बिल्कुल। आप घर में जाके, आपको ये इंसल्ट नहीं लगता है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? कोई भी हो तो उस लाइन में तो सब खड़े रहेंगे, तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगे दिखाने के लिए कि आप इस हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। और कोई पूछने वाला कौन होता है? सर, मुस्लिम। कौन होता है? क्या सरकार ही पूछेगी क्या कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? क्योंकि जो जिन नागरिकों के दम पे सरकारें बनती हैं वो उल्टा नागरिकों से पूछेगी कि आप दस्तावेज दिखाओ, आधार नंबर दिखाओ, अपने बाप दादाओं की जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ, तब हम कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। तो इतना इंसल्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कीजिए। आप सिख हाँ, तो ये साफ है ना कि वो खुद ही वहां उदाहरण दे रही थी कि देश दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए तो हमने बसाया। अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के तहत जो भी नागरिकता का कानून हम नागरिकता देते रहे हैं, तो जब हमने सबको नागरिकता दी है तो हम उसी कानून से सबको नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? ये लिखा क्यों गया? ये लिखा इसलिए गया कि हम बैठकर बहस करें और इस तरह के तर्क चलाए जा रहे हैं कि नहीं, हमको किसी का अधिकार नहीं लिया गया। आपने किसी का अधिकार लिया नहीं, किसी का नाम नहीं लेकर उसका अधिकार छीन लिया, है ना। तो बहुत सारा जो डेमोक्रेसी में ना एहसास का एक बॉन्ड होता है, ट्रस्ट का एक बॉन्ड होता है, और कुछ नहीं होता। अगर हम यहाँ पे चार लोगों का नाम लें और कहें कि भारत में चार राज्य हैं सबसे अच्छे हैं और आपके राज्य का नाम ना लें तो आपको ये बात चुभ जाएगी। ये उतने का खेल है ये, तो ये उन्होंने वो खेल कर दिया है। अब वो गली मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम चर्चा चल रही है, वो तो जिसमें वो सफल हो गए हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मटेरियल अगर आप देखेंगे ना तो इतने खतरनाक स्तर पर फैलाया जा रहा है। तो ठीक है, अगर लोगों को यही तय करना है कि बच्चों को, लड़कों को खासकर सांप्रदायिक बनाना है, आपका फैसला। मैं तो कहता हूं कि भाई दंगाई मत बनाना, डॉक्टर बना लेना। मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि ये नहीं चलेगा। तो
और ये क्यों चलना चाहिए इस देश में? वो खुद बनाना चाहते हैं, हो गया ना हो। क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये बैठ के लाइन में खड़े होकर अपने दस्तावेज दें और आप घर में बैठी रहें? नागरिकता के जिसको आप मोहल्ले में देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, जिससे आप 50 बार झगड़ चुकी होंगी, आप वही अगर आदमी जाके लाइन में लगेगा, वोटर की पर्ची दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, इस देश में आधे गरीब तो इससे मर जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो जो बंजारे हैं वो कहाँ जाएंगे? और औरतों के नाम से तो 50% औरतें जो इस देश में अभी तक जो लिटरेट नहीं थी, उनके नाम पे कोई संपत्ति नहीं थी, कोई पासबुक नहीं था, कुछ नहीं था, वो कहाँ कहाँ मारी जाएंगी? वो मारी मारी फिरते रहेंगी? क्यों उन पे ये चीज लादा जाना चाहिए? क्यों लादा जाना चाहिए कि जिस तरह से वो हनक से कह गए हैं कि हम इसी संसद में लेकर आएंगे? आप जनता को सजा देना चाहते हो? वो जनता को हांक रहे हैं कि हम आपको ये समझते हैं। विपक्ष की क्या औकात रह गई है वहां पे सदन में? उसके पास वो संख्या नहीं है, वो तो बोल ही गया जो बोलना था उनके पास, तो वो जनता को हांक रहे हैं ना अब, कि आप उनको कोई रोक नहीं सकता, तो वो पब्लिक से कहेंगे कि आइए आप लाइन में लगे और आप अपनी नागरिकता साबित